ऑल राइट दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोम 100 में। पिछले पार्ट में हमने देखा कोसुगी टिंडो को अपनी कंपनी के अंदर फंसा लेता है और उससे जिंदगी भर मजदूरी करवाने वाला था, लेकिन सिजुका के कारण कोसुगी की पूरी कंपनी की ऐसी तैसी हो जाती है और उसको सारे के सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं और ये सभी लोग भी अपने रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों पानी के ऊपर तैरते हुए योगा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये भी एक टिंडो की इच्छा होती है जो कि उसने अपनी डायरी में लिखी है। दोस्तों याद है एक एपिसोड के अंदर मैं इंग्लिश डब वालों को गालियां दे रहा था, पता नहीं कैसे लेकिन मेरी गालियां उन तक सही सलामत पहुंच गई और इन लोगों ने यहाँ पर अब इंग्लिश के टेक्स्ट ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ ये लोग दोबारा से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से एक घंटे का रास्ता और बचा होता है टिंडो के विलेज के लिए। ये लोग जा ही रहे होते हैं तभी टिंडो अपनी गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगा देता है और ये तीनों सामने देखते हैं यहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं और एक ट्रक जो कि खतरे में है। इन तीनों को अंदाजा लग जाता है जरूर से इस ट्रक के अंदर कोई है जिसे की मदद की जरूरत है। इसी कारण से टिंडो अपनी ड्रेस पहन लेता है और बाहर चला जाता है इन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही टिंडो आगे बढ़ता है भाई साहब, इस ट्रक के अंदर से एक सामुराई निकलता है और ये सामुराई बहुत ही ज्यादा कमाल का होता है। ये बहुत ही कम टाइम के अंदर इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करके रख देता है। ये देख के इन तीनों को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता कि अभी अभी हुआ तो हुआ क्या। लेकिन तभी ये सामुराई आगे बढ़ता है और जैसे ही अपना मास्क निकालता है भाई साहब, ये तो एक लड़की होती है। दोस्तों मेरे को ये तो अंदाजा लग गया था कि ये सामुराई कमाल का है, लेकिन ये तो कमाल इंटू 100 हो गया, ये तो लेवल पार काम हो गया। ये लड़की इन तीनों को अपना नाम बताती है बेट्रिक्स आमरहाशर, जिसे कि अपन आमाहाशा कह के बुलाने वाले है। आमाहाशा जर्मनी से होती है जो कि जापान के कल्चर्स और फेस्टिवल्स की बहुत ही बड़ी फैन होती है, इसी कारण से वो यहाँ पर आई थी। लेकिन ज़ॉम्बीज के कारण आमाहाशा यहाँ पर फंस चुकी है। तभी टिंडो इस ट्रक के अंदर देखता है जहाँ पर बहुत सारी फिशेस होती है। आमाहाशा कहती है मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और इन फिशेस को डिलीवर करना बहुत ही जरूरी है, तो क्या तुम लोग प्लीज मेरी मदद करोगे इन्हें डिलीवर करने में। केंजो को लगता है जरूर से लड़की सर्वाइवर्स के लिए इन फिशेस को ले जा रही है, इसी कारण से टिंडो सीरियस होकर पूछता है कि तुम इन फिशेस को कहाँ ले जा रही हो। लेकिन भाई साहब ये लड़की बताती है कि इसे सुशी खानी है और यहाँ पर सिर्फ एक ही सुशी की शॉप बची हुई है, बाकी की सारी तबाह हो चुकी है। दोस्तों जैसा कि अपन को पता है जापान में सुशी एक बहुत ही फेमस डिश है और ये लड़की जापान की बहुत बड़ी फैन है, इसी कारण से ये बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेट है सुशी को ट्राई करने के लिए। और दोस्तों ये बहुत ही सिली बात है, आखिर क्यों कोई अपनी जान को खतरे में डालेगा सिर्फ सुशी खाने के लिए और ज़ॉम्बी से भरी हुई जगह पे जाएगा। इन दोनों के चेहरे से क्लियर लग रहा है कि ये तो हिचकिचा रहे हैं इस लड़की की बात मानने के लिए, और टिंडो भी कोई बेवकूफ थोड़ी ना है जो इस लड़की की बात मानेगा। इसी कारण से ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। दोस्तों तुम्हें क्या लगता है कहाँ पर जा रहे हैं? एग्जैक्टली सुशी खाने के लिए। क्योंकि टिंडो अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करता है और इस लड़की की बात मान जाता है, क्योंकि टिंडो की भी ये इच्छा होती है कि वो सुशी वगैरह खाएगा। इसी के साथ ये लड़की इन लोगों को रास्ता बताते हुए उस जगह पर ले जाती है जहां पर वो सुशी की शॉप है, साथ ही साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी। दोस्तों ये दो लोग तो उल्टी खोपड़ी के है ही सही, लेकिन यहाँ पर आते के साथ से पता नहीं सिजुका के अंदर भी किस चीज का भूत घुस गया है, वो भी अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है। सिजुका एक प्लान बनाती है जिसके हिसाब से केंजो और टिंडो ये दोनों मिलकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को एक जगह पर फंसा लेते हैं। इन लोगों का प्लान होता है इन सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ जलाने का, लेकिन भाई साहब इन महानुभव लोगों से माचिस ही नहीं जल रही होती, इस कारण से यहाँ पर और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लग जाते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे होते हैं। ये ज़ॉम्बीज इनके ट्रक की ओर बढ़ने लगते हैं जिनके अंदर इनका सामान रखा हुआ है। ये देखकर ये लड़की दुखी और डरने लग जाती है कि अब अपन क्या करेंगे। इतने में ही टिंडो एक मोटिवेशनल डायलॉग चिपका देता है, डर सिर्फ एक बहाना होता है कुछ काम न करने का, अपने अंदर सिर्फ ये इच्छा होनी चाहिए कुछ करके दिखाने की। ये बंदा भी बस किसी भी हालत में सुशी खाना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ से कूद जाता है अपने ट्रक को बचाने के लिए। इतने में ही आमाहाशा अपनी एक बचपन की मेमोरी को याद करती है जिसके अंदर वो देखती है कि उसे जापान के कल्चर से बचपन से ही कितना ज्यादा लगाव है। इसी के साथ वो भी आगे आ जाती है इन ज़ॉम्बीज का सामना करने के लिए। ये दोनों बहुत शानदार तरीके से इन ज़ॉम्बीज का सामना करने लग जाते हैं और इन्हें मारने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं।
जैसे ही ये दोनों खतरे में आते हैं, हम देखते हैं सिज़ुका एक ड्रोन की मदद से यहाँ पर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को हवा में उड़ा देती है, जिससे कि ये सारे के सारे ज़ोंबीज उसका पीछा करने लग जाते हैं। सिज़ुका की वजह से सारे के सारे ज़ोंबीज इकट्ठा हो जाते हैं और एक लाइन बन जाती है। फिर यहाँ पर पेट्रोल मौजूद होता है, उसकी मदद से ये सारे के सारे ज़ोंबीज को एक साथ जला देते हैं। इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग सुशी को खा रहे होते हैं इस आदमी की दुकान पर। ये आदमी एक सर्वाइवर होता है। इसी आदमी ने अमाहाशा की इच्छा को देखते हुए कहा था, अगर तुम फिशेस को लाओगी तो मैं तुम्हें सुशी खिला सकता हूँ। सुशी खाने से अमाहाशा को बहुत ही खुशी मिलती है और वो इमोशनल होकर रोने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, इसी कारण से ये लोग नहाने का डिसाइड करते हैं और एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह पर चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अमाहाशा इन लोगों को जापान की और हॉट स्प्रिंग के बारे में इतनी ज्यादा बातें बताती है जितना कि इन लोगों को खुद को नहीं पता होती। इसी के साथ टिंडो और सिज़ुका लव के ऊपर नॉर्मली अपनी बातचीत कर रहे होते हैं, जहां पर सिज़ुका का पॉइंट ऑफ व्यू है लव बहुत ही बेकार चीज है, किसी काम का नहीं है, इससे कोई भी फायदा वगैरह नहीं होता। दोस्तों सिज़ुका की ये मेंटेलिटी अपन को पता है कहां से आई है, ये भी उसके फादर ने ही उसके दिमाग में भर के रखा हुआ है कि लव एक बेकार चीज है। टिंडो इसके ऊपर कुछ नहीं बोल पाता, इसी कारण से वो चुप हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग के अंदर जंप लगा देते हैं। सिज़ुका भी इन दोनों को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और वो लड़कियों वाली साइड जाने का डिसाइड करती है, लेकिन इतने में ही अमाहाशा बताती है कि लड़कियों की साइड पे तो कोई गर्म पानी है ही नहीं। और जैसे ये बात इन दोनों को सुनाई देती है, भाई साहब इनका एक बार रिएक्शन तो देखो, और ये दोनों के दोनों इन दोनों को बुलाने लग जाते हैं। सिज़ुका इन दोनों को बहुत ही गंदी तरीके से मना कर देती है, लेकिन भाई साहब जो अमाहाशा है वो कल्चर को फॉलो करते हुए अपने कपड़े उतार देती है और आने लग जाती है। इन दोनों ठरकियों को ये देखकर बहुत ही मजा आ रहा होता है, लेकिन दोस्तों इतने में ही पानी के अंदर से एक ज़ोंबी निकलता है, फिर उसके बाद बहुत सारे ज़ोंबीज हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज इकट्ठा हो जाते हैं, इस कारण से ये मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए यहाँ से भागते हैं। ये लोग एक सेफ जगह पर पहुंचकर रोने लग जाते हैं, ये बोलकर कि ज़ोंबीज की वजह से इन लोगों को सुकून से नहाने को नहीं मिला। नीचे पूरे ज़ोंबीज भरे पड़े हैं, इस कारण से ये लोग अपनी गाड़ी के पास भी नहीं जा सकते, इसी कारण से इन लोगों को रात यहीं पर गुजारनी पड़ती है। रात के टाइम पे टिंडो की नींद खुल जाती है और उसे प्यास लग रही होती है, इसी कारण से वो पानी ढूंढने के लिए आगे चला जाता है और इसे यहाँ पर एक हॉट वाटर स्प्रिंग मिलता है। इसे देखते के साथ ही टिंडो बहुत ही खुश हो जाता है और इसके अंदर जंप लगा देता है, लेकिन इतने में ही उसे पता चलता है भाई साहब सिज़ुका भी इसी के अंदर है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ही चौंक जाते हैं। सिज़ुका चिल्लाकर टिंडो को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन टिंडो कहता है, मुझे किसी भी हालत में हॉट स्प्रिंग बात करनी है, बिना बात के मैं यहाँ से नहीं जा सकता, अगर मैं यहाँ से बिना बात के गया तो इससे अच्छा तो मुझे ज़ोंबीज ही खा ले। सिज़ुका को पता चलता है टिंडो किसी भी हालत में सिर्फ नहाने के पीछे पड़ा है, इसी कारण से ये दोनों पार्टीशन डिवाइड कर लेते हैं कि तुम उधर ही रहना, मैं इधर ही रहूंगी। इसी के साथ जैसे ही माहौल शांत होता है ये दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बातचीत करने लग जाते हैं। यहाँ पर सिज़ुका टिंडो से माफी भी मांगती है कि जो लव के ऊपर इसने जो ओपिनियन दिया था उसके बारे में। सिज़ुका बहुत ही अच्छे से बताती है कि ये सब कुछ मेरे फादर के कारण हो रहा है। टिंडो कहता है, वाव कितनी बढ़िया बात है, तुम बहुत ही ज्यादा खुल के बात कर रही हो। सिज़ुका कहती है, हाँ और मेरे मन में सिर्फ एक ही बात है, अगर फ्यूचर में मैं किसी के भी साथ प्यार में पड़ती हूँ तो मैं सिर्फ यही देखूंगी कि उसके साथ भी मैं इतनी अच्छी तरीके से कंफर्टेबल होके बात कर सकूँ। इतने में ही सिज़ुका को रियलाइज होता है उसने ऐसी बात कर दी जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी, इसीलिए वो अपनी बात को कवर कर रही होती है। क्योंकि दोस्तों जो भी बात सिज़ुका ने कही है उससे तो सिर्फ एक ही बात निकल रही है कि वो भी टिंडो को पसंद करती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर केंजो और अमाहाशा आ जाती है और ये दोनों भी इस पानी के अंदर जंप लगा देते हैं और इन तोता मैना को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग टिंडो के विलेज में पहुंचने में है और टिंडो अपने पेरेंट्स से मिलने में थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा होता है, क्योंकि हम टिंडो के एक पास सीन में देखते हैं जहां पर टिंडो के फादर उससे कह रहे थे, तो तुम बंधुआ मजदूरी करना चाहते हो है ना, अगर ऐसा ही है तो तुम्हें अपने खुद के ऊपर भी ध्यान देना होगा और अपने सपने को फॉलो करना चाहिए। उस टाइम पर टिंडो अपने मन में कहता है, आपको इन सब के बारे में क्या पता, आप तो एक मामूली से किसान हो बस। इसी कारण से टिंडो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा होता है कि वो अपने फादर से क्या बात करेगा और उसे विश्वास होता है कि उसके फादर और मदर बिल्कुल भी ज़ोंबीज नहीं बने होंगे। विलेज पहुंचने से पहले ही टिंडो एकदम से ब्रेक मारता है और ये लोग सामने की ओर देखते हैं, यहाँ पर टनल के अंदर कुछ ज़ोंबीज भरे पड़े हैं। इस कारण से सिज़ुका डिसाइड करती है, अगर टनल के अंदर से नहीं जाया जा सकता तो अपन इधर नीचे जंगल की साइड से होकर जाते हैं। रास्ते में सिज़ुका टिंडो को हिम्मत देती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स जरूर से सेफ होगी, लेकिन इतने में ही दोस्तों यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भाग कर आ रहा होता है जिसके पीछे एक बोर लगा होता है ज़ोंबी वाला।
अमाहासा इस बूढ़े आदमी को फटाक से नीचे होने के लिए बोलती है, तभी वो अपने एरो की मदद से इस बोर के ऊपर हेडशॉट लगा देती है और इसका काम तमाम कर देती है। ये बूढ़े आदमी अपना नाम कुमानो बताते हैं। इसी के साथ कुमानो इन लोगों को अपनी जगह पर लेके जाते हैं जहां पर ये एक ट्री हाउस बना रहे होते हैं। कुमानो भी सिटी के अंदर रहते थे लेकिन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए वो यहाँ पर आ गए जंगल में अपना खुद का अलग सलग घर बनाकर रहने के लिए। कुमानो का घर अभी भी बन ही रहा होता है और ये सब देख के टिंडो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि कितना बढ़िया होगा अगर एक ट्री हाउस होगा मेरा भी। इसी कारण से टिंडो डिसाइड करता है कि वो इन बूढ़े आदमी के साथ रहेगा और एक ट्री हाउस बनाएगा खुद के लिए भी। और रही बात पेरेंट्स की, उन्हें गोली मारो। कुमानो सिटी के अंदर एक कारपेंटर थे, इसी कारण से वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और एकदम बढ़िया इंसान है। वो काफी सारी बढ़िया बढ़िया बातें टिंडो को सिखाते हैं। कुमानो की बातों की वजह से टिंडो अपने आप को नेचर से जुड़ा हुआ फील करता है, जिससे कि उसका दिमाग खुल जाता है और वो अच्छे से सोच पाता है। यहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है लेकिन एकदम से ये बहुत ही इमोशनल माहौल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इस आदमी की जो वाइफ और इनके बच्चे थे इनकी आंखों के सामने वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए। कुमानो को बहुत ही दुख हो रहा होता है लेकिन टिंडो उन्हें संभाल लेता है। इसी के साथ ये सारे मिलकर जोरों शोरों से काम पे लग जाते हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर अंदर एक बहुत ही शानदार सा ट्री हाउस बना लेते हैं। टिंडो की एक और इच्छा पूरी हो जाती है कि एक ट्री हाउस होना। इसी के साथ ये चारों लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। टिंडो इन तीनों को अपने विलेज के अंदर इतने ज्यादा खतरनाक रास्ते से लेके जा रहा होता है, भाई साहब इन तीनों की हालत खराब हो जाती है। टिंडो को तो इन रास्तों पर चलने की पुरानी आदत होती है लेकिन इन तीनों की हालत खराब हो जाती है। केंजो कहता है, भाई आज तो तू मरवा देगा। टिंडो इन सभी को अपने विलेज का एक लुक दिखाता है जो कि बहुत ही शानदार होता है और जैसे ही वो अपनी जगह पर पहुंचता है वो यहाँ का माहौल देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। टिंडो बहुत तेजी से भागते हुए अपने घर की ओर बढ़ता है और अपने मन में कह रहा होता है, प्लीज सेफ रहना, प्लीज सेफ रहना। लेकिन वो जैसे ही अपने घर के अंदर इंटर होता है, भाई साहब सब कुछ ही नॉर्मल होता है दोस्तों, उल्टा और यहाँ पर लोग नाच गा रहे होते हैं। दोस्तों तुम्हें क्या लगा था यहाँ पर चारों तरफ खून फैला हुआ मिलेगा? नहीं दोस्तों, गांव के लोगों को चोट पहुँचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। जो गांव के लोग होते हैं वो अलग मिट्टी से बने होते हैं, इसीलिए मुझे खुद पे प्राउड है कि मैं भी एक विलेज बॉय हूँ। टिंडो यहाँ पर अपने मदर फादर को देखता है जो कि पूरी तरीके से सेफ होते हैं। इन्हें देखकर टिंडो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। टिंडो अपने फादर से माफी मांग रहा होता है और वो अपने फादर को थैंक यू भी बोलता है, आपने आज तक जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसी कारण से मैं आज यहाँ पर हूँ। टिंडो के फादर इमोशनल वॉक करते हुए टिंडो के पास आते हैं और उसे घुसा बजा देते हैं, दोस्तों मुझे तो लगा था अपने बेटे को गले लगाएंगे, ओ मेरा बच्चा आ गया। टिंडो के फादर कहते हैं, क्या इतनी सी बात कहने के लिए तुम यहाँ पर आए हो? वो इन लोगों से कहते हैं, तुम जरूर टिंडो के दोस्त हो, यहाँ पर काफी सारी जगह है, तुम जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो। और वो खुद चले जाते हैं खेतों की तरफ ध्यान देने के लिए। सेजुका कहती है, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि ये तुम्हारे फादर है। और इसी के साथ अगले सीन में टिंडो की मदर इन सभी को खाना खिला रही होती है। टिंडो की मदर इन सभी को बहुत सारी बातें बताती है, जैसे कि ये किस तरीके से यहाँ पर सेफली रह रहे हैं उन ज़ॉम्बीज से बचते हुए। इन लोगों को जंगली जानवरों से लड़ने की हैबिट है, इसी कारण से ये लोग ज़ॉम्बीज से भी सेफ है और इन्होंने ही उस टनल के अंदर भी ज़ॉम्बीज को कैद किया है। यहाँ पर जो भी लोग शहर से बचकर आते हैं सेफली, उन लोगों को ये लोग जगह दे देते हैं अच्छे से रहने के लिए। टिंडो अपने मन में कहता है, मेरा यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है लेकिन बदले में मैंने कुछ भी नहीं किया, इसीलिए मैं अब उनका काम करूंगा। टिंडो अपनी मदर के पीछे पड़ जाता है उनकी मदद करने के लिए, लेकिन टिंडो की मदर मदद नहीं लेती है और वो टिंडो को आराम करने के लिए कह देती है। तभी टिंडो के फादर आते हैं और वो टिंडो को लेकर अपने खेत में चले जाते हैं। टिंडो यहाँ पर काम करते हुए अपने फादर से पूछता है, अब आपकी कमर कैसी है, दर्द वर्द तो नहीं होता है? टिंडो के फादर कहते हैं, होती है हमेशा से, लेकिन फिर भी हम इसी तरीके से जीते हुए आ रहे हैं और इसी तरीके का काम करके खुश है। अगले सीन में हम देखते हैं टिंडो अपने हाथों पैरों को धो रहा होता है, तभी दूसरी ओर हम टिंडो के फादर को देखते हैं जिनके हाथों में खून होता है। दोस्तों जरूर से टिंडो के फादर बहुत ही ज्यादा बीमार होंगे, ये मैं अपने मन से कह रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर बताया नहीं गया है। हो सकता है दोस्तों टिंडो के फादर अपनी बीमारी के बारे में टिंडो से छुपा रहे हैं। तभी दोस्तों शाम के टाइम पे ये दोनों लोग अपने घर पे जा रहे होते हैं लेकिन इनका रास्ता एक आदमी के साथ क्रॉस हो जाता है। एकदम से टिंडो कहता है, शायद से मैंने इस आदमी को कहीं पर देखा है। टिंडो के फादर कहते हैं, वो आदमी भी शहर से आया है। इसी के साथ हम देखते हैं ये शहर वाला बंदा इस टनल के पास आ जाता है और शायद से दोस्तों इसका प्लान है इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को आजाद करने का। तभी दोस्तों हम इस आदमी की पास्ट लाइफ देखते हैं जहां पर ये आदमी थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा होता है और इसे अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
इसकी सिगरेट्स खत्म हो जाती है, इसी कारण से ये बाहर जाने का डिसाइड करता है और बाहर जाकर देखता है यहाँ पर चारों तरफ ज़ोंबीज फैल चुके हैं। दोस्तों ज़ोंबीज की वजह से जिस तरीके से टिंडो को खुशी हुई थी उसी तरीके से इस बंदे को भी खुशी होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक इविल बंदा है, एक गुंडा है। ये बंदा कहता है जितने भी लोग इस सोसाइटी में मुझे नीचा देखते थे अब वो सारे के सारे लोग खत्म हो चुके हैं, इसी कारण से अब मैं आजाद हो चुका हूँ। ये एक सिगरेट्स की दुकान पे जाता है सिगरेट्स लेने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर इसे तीन गुंडे सर्वाइवर मिलते हैं जिनके साथ ये बंदा टीम अप कर लेता है। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं इस बंदे के पास भी एक डायरी होती है जिसका नाम होता है 100 काम जो कि मैं ज़ोंबी बनने से पहले करना चाहता हूँ, और इन कामों के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो भी मैं चाहूँ। इसी के साथ दोस्तों ये आदमी अपनी इविल गैंग के साथ इस टनल के सामने खड़ा होता है, और दोस्तों जहां तक मुझे अंदाजा है शायद से इस टनल के ज़ोंबीज को ये आज़ाद कर देगा और सारे के सारे ज़ोंबीज विलेज के अंदर चले जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों इस वाले पार्ट का यहीं पर एंड हो जाता है। सारे के सारे भाई लोग कमेंट करके जरूर से बताना कि ये वाला पार्ट आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला पार्ट आएगा कल के दिन 7 बजे, तब तक के लिए मेरे सारे भाई लोगों को बाय बाय।